150cc नेकेड स्ट्रीट बाइक सेगमेंट में यामाहा MT-15 वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम बाइक है। अब ये बाइक इंटरनेशनल कलर स्कीम के साथ मार्केट में अवेलेबल है और इसी के चलते अभी ये बाइक और भी एग्रेसिव एंड एट्रैक्टिव हो गया है। ये बाइक अपने रोबोटिक लुक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। ऐसा लुक्स आपको इंडियन मार्केट का और किसी बाइक में देखने को नहीं मिलेगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी बाइक की एक डिटेल्ड वॉक अराउंड के साथ साथ आपको इस बाइक का प्राइस एंड स्पेसिफिकेशन भी बताऊंगा। आप इस वीडियो को आखिर तक देखें और कमेंट में बताएं इस बाइक के बारे में आपका ओपिनियन क्या है। हेलो एंड वेलकम बैक टू दी बाइकर्स डायरी यूट्यूब चैनल और मैं हूं अमित, आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल की और एक नई वीडियो में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर दी बाइकर्स डायरी फैमिली से जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम आईडी एंड फेसबुक पेज का लिंक मिलेगा, अगर आप मुझसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो उसमें मैसेज कर सकते हैं। प्राइसिंग की बात करें तो आज की डेट में इस बाइक की एक शोरूम प्राइस कोलकाता है 1,40,900 रुपीस। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एसएनसी यामाहा दासनगर हावड़ा में। अगर आप हावड़ा या फिर कोलकाता से हैं तो इस बाइक की ऑन रोड प्राइस एंड फाइनेंस स्कीम जानने के लिए डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। दोस्तों अभी आप इस बाइक का मैट लाइट ग्रे मेटालिक कलर को देख रहे हैं। पहले ये कलर वेरियंट सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट में अवेलेबल था। इस कलर वेरिएंट में नियॉन ऑरेंज कलर का अलॉय रिम एंड बॉडी स्टिकर्स देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये जो लाइट ग्रे कलर है वो मैट फिनिश कलर है। इन कलर्स के अलावा और कुछ खास चेंजेस इस बाइक में नहीं हुआ है। दोस्तों इस बाइक में ट्विन एलईडी डीआरएल के साथ एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट दिया गया है जो सामने से एक रोबोटिक लुक इस बाइक को दे रहा है। इंडिकेटर्स की तरफ देखे तो यहाँ फ्रंट साइड में क्लियर लेंस वाला बल्ब टाइप नॉन फ्लेक्सिबल टर्न इंडिकेटर्स दिया गया है। दोस्तों इस बाइक में मैट फिनिश ब्लैक कलर का मडगार्ड यहाँ पे मिलेगा। इस बाइक में 10 लीटर कैपेसिटी वाला मस्कुलर फ्यूल टैंक दिया गया है। टैंक के ऊपर का लेफ्ट साइड में यहाँ MT का ब्रांड लोगो दिया गया है। मिडिल में यहाँ मैट ब्लैक कलर का पैनल मिलेगा। और दोस्तों इस फ्यूल टैंक में ही यहाँ पे इग्निशन की दिया गया है। टैंक के साइड में यहाँ यामाहा का लोगो मिलेगा। एक्सटेंडेड टैंक काउल में MT एंड MT-15 ब्रांडिंग किया गया है। नीचे की तरफ लाइट ग्रे कलर की पैनल के ऊपर में यहाँ ABS बैजिंग मिलेगा। यहाँ इंजन के पास में सिल्वर कलर में मेटालिक MT ब्रांडिंग दिया गया है। दोस्तों इस बाइक का साइड पैनल मैट फिनिश्ड है और यहाँ पे डिजाइन ऐसा किया गया है जैसे यहाँ पे किसी ने अपना फिंगर से ये डिजाइन किया है। बैक साइड काउल में यहाँ पे यामाहा ब्रांडिंग मिलेगा। दोस्तों ये बाइक स्टेप टाइप सिंगल सीट के साथ आता है और इस बाइक का दोनों साइड में एक लंबा ग्रैब बार दिया गया है। अगर आप इस बाइक को टूरिंग के लिए यूज करेंगे तो सैडल बैग बांधने में ये बहुत ही मदद करेगा। टेल लाइट की तरफ देखें तो इस बाइक में फुल्ली LED टेल लाइट मिलेगा। और दोस्तों इस बाइक का रियर इंडिकेटर्स भी क्लियर लेंस वाला बल्ब टाइप नॉन फ्लेक्सिबल टर्न इंडिकेटर्स है। अब टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस बाइक में वही इंजन मिलेगा जो यामाहा R15 में यूज होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बाइक का इंजन का ट्यूनिंग डिफरेंट है। इस बाइक में BS6 कंप्लायंट 155cc 4 वाल्व लिक्विड कूल्ड SOEC इंजन मिलेगा जिसका मैक्सिमम पावर है 13.6 किलोवाट और 18.5 PS एट 10,000 RPM एंड मैक्सिमम टॉर्क है 13.9 न्यूटन मीटर एट 8,500 RPM। इस बाइक में असिस्टेंट स्लीपर क्लच के साथ VVA यानी वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन दिया गया है। और दोस्तों इस बाइक में 1-down 5-up पैटर्न का 6-speed गियरबॉक्स मिलेगा। इस बाइक में किकस्टार्ट का ऑप्शन नहीं है। दोस्तों इस बाइक में डेल्टा बॉक्स फ्रेम का यूज हुआ है और रियर साइड में मिलेगा बॉक्स टाइप स्विंग आर्म। इस बाइक का फ्रंट साइड में 37 मिलीमीटर डायमीटर वाला टेलीस्कोपिक सस्पेंशन यहाँ पे दिया गया है और इस बाइक का रियर साइड में लिंक टाइप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन मिलेगा। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो इस बाइक में सिंगल चैनल ABS मिलेगा। इस बाइक का फ्रंट व्हील में ट्विन पिस्टन कैलिपर वाला 282 मिलीमीटर डायमीटर का डिस्क ब्रेक दिया गया है। आप यहाँ पे ABS सेंसर और यहाँ पे ABS सेंसर प्लेट को देख सकते हैं। इस बाइक का रियर व्हील में मिलेगा सिंगल पिस्टन कैलिपर वाला 220 मिलीमीटर डायमीटर का डिस्क ब्रेक। दोस्तों इस बाइक का व्हील बेस है 1335 मिलीमीटर, ग्राउंड क्लियरेंस है 170 मिलीमीटर, सीट हाइट है 810 मिलीमीटर एंड कार वेट है 138 kg।
दोस्तों इस बाइक में एक सेफ्टी फीचर आपको मिलेगा। इस बाइक का साइड स्टैंड अगर नीचे रहेगा तो गियर में बाइक स्टार्ट नहीं होगा, साइड स्टैंड उठाने के बाद ही बाइक स्टार्ट हो पाएगा। इस बाइक में स्ट्रेट टाइप हैंडल बार के साथ प्रीमियम क्वालिटी का स्विच कंसोल दिया गया है। राइट साइड स्विच कंसोल में इंजन की स्विच एंड इलेक्ट्रिक स्टार्ट स्विच मिलेगा और लेफ्ट साइड स्विच कंसोल में पास बीम, हाइलो बीम, हॉर्न स्विच एंड इंडिकेटर स्विच दिया गया है। अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ देखें तो इस बाइक में व्हाइट बैकलाइट वाला फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलेगा। इस इंस्ट्रूमेंट कंसोल में गियर शिफ्ट टाइमिंग इंडिकेटर, VVA इंडिकेटर, एवरेज माइलेज स्टेटस, गियर पोजीशन इंडिकेटर जैसे यूनिक फीचर्स के साथ स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, रेफ काउंटर, ट्विन ट्रिप मीटर, ट्रिप एफ मीटर, क्लॉक एंड फ्यूल स्टेटस इंडिकेटर मिलेगा। इसके अलावा टर्न लाइट इंडिकेटर, न्यूट्रल इंडिकेटर, हाई बीम इंडिकेटर, ABS इंडिकेटर, इंजन मैलफंक्शन इंडिकेटर जैसे कॉमन फीचर्स भी मिलेगा। दोस्तों इस बाइक का फ्रंट व्हील में 100x80 साइज का ट्यूबलेस टायर मिलेगा और इस बाइक का रियर व्हील में मिलेगा 140x70 साइज का रेडियल ट्यूबलेस टायर। इस बाइक का दोनों रिम 17 इंच डायमीटर वाला है और इस बाइक का रियर व्हील में एक टायर हगर भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था यामाहा MT-15 मैट लाइट ग्रे मेटालिक कलर वेरिएंट का एक डिटेल्ड वॉक अराउंड रिव्यू। ये कलर वेरिएंट मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगता है। आपको कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, राइड सेफ, जय हिंद, चाओ।